भैया मेरे पीछे दोस्तों स्विमिंग है ये समुंदर के अंदर, मैं अभी वहाँ पर लेके चलता हूँ आप सबको। ये देखो शिवलिंग, तो शिवलिंग है जी, दोनों शिवलिंग। और आप ये शिवलिंग है देखो समुद्र के अंदर, एक शिवलिंग गेरा। देखो कितना मजा आ रहा है, आनंद आ गया समुंदर के नीचे अंदर। ओ ओ मेरी चप्पल भी जा रही थी। हाँ गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज हम लोग कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में है और नीचे हमने गाड़ी हायर की है, वो आ चुकी है और वो ड्राइवर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं हम चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने, पूरा दिन लग जाएगा, 5 घंटे का रन है, 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना। हम शाम हो जाएगी हमें वापस आते आते, चलो मिलते हैं, आपको बताते हैं कहाँ कैसे क्या जाते हैं क्या होता है। ओहो हमारी कार रेडी है, तैयार है हमारी कार, सिर्फ लोग अपने साथी को कल तैयार कर रहे हैं, वो आ जाए। जय बोलेगी। अब हम कष्टभंजन हनुमान जी के लिए निकल चुके हैं, मेरे पीछे मेरे चाचा, मेरी बुआ, मेरी बहन बैठी है। हाँ दोस्तों अब हम सारंगपुर हनुमान जी के आ गए हैं, कष्टभंजन हनुमान जी जो गुजरात में है, पीछे हनुमान जी की मूर्ति बनी है। हाँ हमें जाना है मंदिर के लिए दर्शन करने, ये है मंदिर का गेट, धर्मशाला है, हनुमान जी बने हुए, कष्टभंजन हनुमान जी। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं, आइए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी की प्रतिमा बहुत बड़ी है, भैया एक सेल्फी मारी ये देखो। हाँ जी के साथ
अष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर, कह रहे हैं 3:30 बजे खुले। सारी चीजें थोड़ी बताऊंगा, ये यहाँ हवन होता है, ये सामने कष्टभंजन देव भोजनालय है। ये लाइन लगी हुई है खाना खाने के लिए, लाइन है अभी दे। पौना एक हो गया, खाना खाएंगे पहले, 3:30 बजे मंदिर के द्वार खोलेंगे, फिर भगवान के दर्शन करेंगे, फिर वापस रवाना सोमनाथ जी के लिए हम जाएंगे। अभी लाइन लगी पड़ी है मेरे पीछे, देखो कितनी लंबी लाइन है। चलो देखते हैं, जय बजरंगबली। भैया बजरंग बली की जय। बजरंग भैया हटना रहा, जय बजरंग बली। स्थान को गौरीकुंड कहते हैं, यहाँ भगवान चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया था महादेव ने। इस कुंड पे चंद्रमा भगवान को स्नान करवाया था। हाँ गुड इवनिंग, आज 28 तारीख है, सोमनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं वापस दोबारा, उसके बाद शाम की आज हमारी ट्रेन है द्वारकाधीश के लिए, और जो कि 11 बजे चलेगी, और सुबह 7:30 बजे द्वारकाधीश नारायण की नगरी में पहुंच जाएगी। वहाँ पर हम भगवान के दर्शन करेंगे, द्वारका जी धाम देखेंगे, आनंद आएगा। चलो चलते हैं, 10:30 बज गया, 11 बजे की ट्रेन है, वीरावल स्टेशन की खड़े हैं, गाड़ी लग चुकी है और गाड़ी के अंदर जाएंगे। वीरावल स्टेशन आ चुका है, हम लोग वीरावल स्टेशन आ गए हैं और ट्रेन अंदर लग चुकी है शायद, और अंदर जाकर द्वारकाधीश के लिए ट्रेन ले। द्वारका स्टेशन सवा 7 बजे सुबह का टाइम हुआ है, द्वारका स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी लग चुकी है, गाड़ी यहाँ से ऑफ आ जाती है
सिर्फ 2 से 3 मिनट ये गाड़ी रुकेगी। अब आ गया हम होटल, देखते हैं। दर्शकों को बता दो कैसा लगा द्वारका स्टेशन? द्वारका स्टेशन बहुत बढ़िया है।